अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है यूनुस फट्टू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो इंतहाई अहम है। इससे पहले जो लेक्चर हमने किया था वो था वर्ब के ऊपर, जो इसके बाद वर्ब के बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि वर्ब के साथ ही हेल्पिंग वर्ब का करना भी जरूरी है, क्योंकि आगे हमने टेंसेस करने हैं, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस करने हैं और भी बहुत सी टाइप्स करनी है ग्रामर की। तो उसके अंदर क्या है, हमें हेल्पिंग वर्ब का आना इंतहाई जरूरी है, क्योंकि हम बहुत सारी जो चीजें हैं वो हेल्पिंग वर्ब के साथ ही हल करते हैं। तो इसी तरह तो इसीलिए जो हमारे पास है ना, आज अगर आप लेक्चर देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको हेल्पिंग वर्ब के ऊपर पूरी कमांड हो जाएगी। तो आए लेक्चर शुरू करते हैं। हमने इससे पहले वाले जितने भी लेक्चर है हमारे, वो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से प्ले लिस्ट बनाई है लेवल 1 के नाम से। तो आप उसको काइंडली जाके देखें और उसका नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव और वर्ब, और इसके ऊपर ही आज हमारा हेल्पिंग वर्ब का लेक्चर भी है। तो वो हमने एक तरतीब से स्केड्यूल में रख दिए हैं ताकि आपको परेशानी ना हो कि लेक्चर पहले कौन सा देखना है, बाद में कौन सा देखना है। और अगर आप पूरा लेक्चर देखते आएंगे तो इंशाल्लाह कुछ ही दिनों के अंदर आपका जो हमारे लेक्चर हम अपलोड कर रहे हैं तो आपकी ग्रामर का मसला हल हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब बेसिकली हमारे पास अपने नाम से जाहिर है कि ये हेल्प करता है वर्ब को, असिस्ट करता है वर्ब को। हेल्पिंग वर्ब इसे हम, ये असिस्ट कर रहा होता है वर्ब को। इसके बहुत से फंक्शंस हैं, वो हम अभी देखते हैं ये कैसे उसको हेल्प आउट कर रहा है हमें समझने में ग्रामर को। तो इसका दूसरा नाम क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं। मुझे ये बड़ा मसला होता था, मैं जब सुनता था ये ऑक्सिलरी वर्ब, अब ऑक्सिलरी वर्ब मैं सुनता था कि यार टीचर कभी कहता है हेल्पिंग वर्ब, कभी कहता ऑक्सिलरी वर्ब, तो मैं कंफ्यूज था। तब बच्चे थे, टीचर सख्त होते थे और क्वेश्चन भी बंदा पूछ नहीं सकता, तो इसीलिए फिर चुप करके देखते रहे। लेकिन बाद में आके पता चला कि ऑक्सिलरी वर्ब ही हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम है और इसमें कोई चेंज नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो हेल्पिंग वर्ब कह लें या फिर ऑक्सिलरी वर्ब कह लें, बात एक ही है। अब हेल्पिंग वर्ब की जो मेन हमारे पास है वो तीन फंक्शन है, जिसके बारे में हमें हेल्पिंग वर्ब बताता है कि हेल्पिंग वर्ब है क्या। तो वो तीन फंक्शन कौन से है, सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब बता रहा है एस्पेक्ट्स ऑफ टाइम के बारे में। ये हम अभी करते हैं, क्या कैसे कैसे हम इसको करेंगे और हमें कैसे बता रहा होता है, तो हम अभी कर लेते हैं, अपने परेशान नहीं होना। हेल्पिंग वर्ब बता रहा होता है एस्पेक्ट्स ऑफ टाइम के बारे में। नंबर टू पे लिंक के बारे में, इसे हम लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। नंबर तीन में बता रहा होगा मूड्स के बारे में। अब मूड्स को दूसरा नाम हमारे पास है मॉडल वर्ब। पहले मॉडल वर्ब कहते थे, अब इसका नाम चेंज करके हम मूड्स कहते हैं। मूड्स कह लें या मॉडल वर्ब कह लें, बात एक ही है। तो हमारे पास आपको पता चल गया होगा और आपने देख लिया, इसको नोट्स भी बना रहे होंगे कि हेल्पिंग वर्ब हमें बेसिकली तीन चीजों के बारे में बता रहा होता है, एस्पेक्ट्स ऑफ टाइम के बारे में, लिंक के बारे में और मूड्स के बारे में या मॉडल वर्ब्स के बारे में। आइए हम देखते हैं कि पहला इसका जो फंक्शन है वो एस्पेक्ट्स ऑफ टाइम के बारे में कैसे बता रहा होगा। हम इसका पहला फंक्शन देखते हैं, ये हमें बताता है एस्पेक्ट्स ऑफ टाइम के बारे में। अब ये कैसे बता रहा होता है हमें, देखें जी हमारे पास टेंसेस कितने होते हैं, तीन। हम बेसिकली हमारे पास जमाना तो एक ही है ना, लेकिन हमने उसकी डिविजन्स कर दी टाइम के लिहाज से, कि जो हम आज का हमारा जो वक्त है वो हमारा क्या है, प्रेजेंट है जिसमें हम अभी खड़े हैं। आने वाला वक्त हमारा क्या है, फ्यूचर है, जो गुजर गया है वो क्या है, पास्ट है। तो हमने इस तरह टाइम की डिविजन कर दी। तो हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है हमें बताएगा एस्पेक्ट्स ऑफ टाइम के बारे में कि जो हमारा अभी स्टेट है वो कौन सी है। सेंटेंस के लिहाज से हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं या फिर प्रेजेंट की या फिर पास्ट की। अब देखें कैसे हमें जो हेल्पिंग वर्ब बताता है एस्पेक्ट्स ऑफ टाइम के बारे में, फ्यूचर के बारे में, प्रेजेंट के बारे में या फिर पास्ट के बारे में। फॉर एग्जांपल हम यहां पर एक सेंटेंस लिखते हैं जिसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे बता रहा होता है। हम लिखते हैं ही डज प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। या फिर हम इसके बाद लिख देते हैं ही डिड प्ले क्रिकेट, या हम लिख देते हैं ही विल प्ले क्रिकेट। अब देखिए हमने डज लिखा, डज लिखने से पता चल गया कि हम बात किसकी कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। हमने डिड लिखा तो पता चल गया कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, विल लिखा तो पता चल गया कि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली ये जो हमारे पास है डज, डिड और विल, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और ये हमें बता रहा है कि हम किस जमाने की बात कर रहे हैं, किस टाइम की बात कर रहे हैं, आने वाले टाइम की बात कर रहे हैं,
गुजरे हुए टाइम की बात कर रहे हैं या फिर जो आज अभी चल रहा है इसकी बात कर रहे हैं, तो बेसिकली हमें इस इन तीन वर्ड्स ने, डज ने, डिड ने, विल ने हमें बता दिया कि हमारा टाइम कौन सा है। तो इसी तरह ये जो हमारा पास हेल्पिंग वर्ब है, ये हमें टाइम के बारे में बताएगा कि टाइम कौन सा चल रहा है, फ्यूचर चल रहा है, प्रेजेंट चल रहा है या फिर पास्ट चल रहा है। तो बेसिकली हमें हेल्पिंग वर्ब क्या बता रहा था, हमें बता रहा था एस्पेक्ट्स ऑफ टाइम के बारे में। तो जी ये जो हमारे पास तीन वर्ड्स है उन्होंने हमें बता दिया टाइम के बारे में, और इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी या प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। तो ये इसका नाम है जो हमें टाइम के बारे में बता रहे हैं। डज भी यूज करते हैं, डिड भी, विल भी, इसके अलावा भी हमारे पास है ना जितने भी है, शैल है, इसके अलावा भी हम यूज करते हैं, विल है, शैल है, उसके बाद डज है, डू है, डिड है। तो ये हमारे पास सारे के सारे टाइम के बारे में बता रहे होंगे। इसका एक फंक्शन हो गया हमारे पास हेल्पिंग वर्ब का कि वो हमें एस्पेक्ट्स ऑफ टाइम के टाइम कौन सा चल रहा है, फ्यूचर चल रहा है, प्रेजेंट चल रहा है, पास्ट चल रहा है, इसके बारे में बताएगा हमें। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा ये दूसरा हमारे पास है एज अ लिंकिंग वर्ब। ये क्या करता है, ये लिंक पैदा करता है, जैसा कि ये अपने नाम से जाहिर है कि ये लिंक पैदा कर रहा दो दो किसी भी चीजों के दरमियान। अब लिंकिंग वर्ब होते कौन से हैं, पहले ये समझना जरूरी है। लिंकिंग वर्ब हम उस वर्ब को कहते हैं जो सब्जेक्ट का बाकी सेंटेंस के साथ लिंक पैदा कर रहा हो, वो कहलाता है लिंकिंग वर्ब। सब्जेक्ट का कोई भी काम करने वाला है जो जिसके बारे में बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं ही इज अ टीचर, मैं लिख देता हूं ही इज अ टीचर। अब देखिए जी, ही हमने लिख दिया और आ टीचर लिख दिया, हमने क्या दिया ही आ टीचर। तो ये बात तो सही है कि हम कहेंगे वो टीचर है, लेकिन अब ये बात एक बेरबत है, इसका कोई उसर पे नहीं लग रहा कि यार ये बात है किसी की समझ नहीं आ रही, ही आ टीचर या ही टीचर, तो वो एक सेंटेंस मुकम्मल नहीं बन रहा होगा हमारे पास। तो बेसिकली फिर हम क्या करेंगे, हम उनको ज्वाइन करेंगे, ये सब्जेक्ट है और ये हमारे पास क्या कहलाता है, इसे हम प्रेडिकेट भी कहते हैं या फिर कंप्लीमेंट भी कहते हैं। जो चीज सब्जेक्ट की बाकी कंप्लीमेंट के साथ लिंक पैदा करती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाता है लिंकिंग वर्ब। जैसे कि हम कहेंगे ही इज अ टीचर, ये इज है, इसने इस कंप्लीमेंट या प्रेडिकेट का सब्जेक्ट के साथ लिंक पैदा किया है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हमारे पास कहलाएगा एज अ लिंकिंग वर्ब। इसका एग्जांपल एक और देख लेते हैं, जैसे कि सेंटेंस है, हम कहते हैं ही विल गॉन टू स्कूल। हम बात कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। बच्चों आपने परेशान नहीं होना क्योंकि अभी हमने टेंसेस किए नहीं है, ये बात उन लोगों के लिए है जिन्होंने टेंसेस कर लिए, जिनको पता है, जो सीएसएस या पीएमएस या फिर जो इंग्लिश बच्चे जिन्होंने कुछ सीख लिया है और उसके बाद वो दोबारा चीजों को कंफर्म करना चाह रहे हैं, जो नए बच्चे हैं ना, बस वो लिंकिंग वर्ब पे ध्यान दें कि हम कि ये लिंक जनरेट किस तरह कर रहा है उस चीज को समझे, और बाकी जो लोग जिनका लाइव जरा लेवल हाई हो चुका है, जिनको समझ रहे हैं या जिन्होंने पहले समझ चुके हैं उनके लिए भी एक नई चीजें हैं, तो उनको भी समझने के लिए हम एक मटेरियल दे रहे हैं। देखें जी, ही विल गॉन टू स्कूल। अब ये हमारे पास जो विल है इसने फ्यूचर को जाहिर कर दिया, गॉन ने परफेक्ट को जाहिर कर दिया, तो अब कमी किस चीज की है। अगर आपसे कोई बंदा कहे कि यार ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस तो है, विल है फ्यूचर जाहिर कर रहे हैं, गॉन है परफेक्ट जाहिर कर रहे हैं, तो हमारे पास टेंस तो कंप्लीट है सॉरी, लेकिन ये जो सेंटेंस है ये कंप्लीट नहीं है, ये कंप्लीट इस तरह नहीं है कि इसके अंदर लिंकिंग वर्ब नहीं है। अब वो कैसे नहीं है, देखिए जी हम यहां पर लिख देते हैं है। अब ये जो विल होता है ना, विल और शैल, विल हो गया, ये अपने बाद याद कर लेनी है कि जो विल हो या शैल, ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है या मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, जो अभी करेंगे भी, ये हमारे पास क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी या फिर मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, और इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इनके साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
और जितने भी हमारे पास मॉडल ऑक्सी वर्ब होंगे ना या मॉडल हेल्पिंग वर्ब होंगे उनके साथ आपने आंख बंद करके वर्ब की पहली फॉर्म लगा देनी है। जहां पर मॉडल वर्ब के साथ कोई और वर्ब की फॉर्म लगी होगी तो वो वहां पर सेंटेंस के अंदर आपने करेक्शन करने की जरूरत होगी। पेपर के अंदर बाद एमसीक्यू जैसे आए होते हैं कि वहां पर वो मॉडल ऑक्सी वर्ब के साथ क्या लगा देते हैं, वो कोई और वर्ब की फॉर्म लगा देगा और आपको कहेगा सेंटेंस को करेक्ट करो, तो आपने फिर क्या करना होगा उसके साथ वर्ड की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होगी। वो कैसे है? अब देखें, हमने विल लगाया, अब हमने कहा कि ये जो विल है ये मॉडल ऑफ दी वर्ब है, इसके साथ फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। जैसे कि पहले सेंटेंस ऐसे था तो इसके साथ पहले क्या थी, वर्ब की थर्ड फॉर्म थी। सेंटेंस तो हमारे पास फ्यूचर भी दे रहा है, परफेक्ट भी दे रहा है, लेकिन सेंटेंस कंप्लीट क्यों नहीं है, गलत है क्यों है, क्योंकि वर्ब ये जो विल है वर्ब की ये कौन सी फॉर्म है, मॉडल फॉर्म है, मॉडल ऑफ दी वर्ब। तो ये हमारे पास इसके साथ क्या आना चाहिए, इसके साथ तो आना चाहिए वी वन, ठीक है। अगर वी वन आएगा तो ये सेंटेंस ठीक हो गया हमारे पास। तो फिर हम यहां पर क्या यूज करेंगे, हम यहां पर यूज करेंगे हैव, यहां पर क्या यूज करेंगे हैव, क्योंकि हमें पता है कि ही के साथ हमारे पास हैव आता है। तो ये हमारे पास यहां पर जब हम हैव लगाएंगे, देखें जी ये जो हमारे पास हैव है ये क्या है, एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये हेल्पिंग वर्ब तो है, बताते खुद क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ साथ ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है। तो ये जो विल है इसके साथ हमारे पास आना चाहिए था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये हमारे पास एक लिंक जनरेट हो गया कि जो विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई हमारे पास, ठीक हो गया बच्चों। और इसके साथ हमें पता है जो हैज हो गया, हैव या फिर हैड, इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, इनके साथ वर्ब की आती है थर्ड फॉर्म। ये हमेशा आपने याद बात रखनी है, इनके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो देखिए जी ये हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म साथ लेते हैं, तो हैव के साथ क्या आना चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो एक लिंक ये जनरेट हो गया कि हमारे पास इसके साथ हैव के साथ क्या आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। तो ये बेसिकली जो हैव है इसने क्या किया काम, यहां पर इसने एज अ लिंक के तौर पर जनरेट किया, जो लिंकिंग कर रहा है, जो वर्ब दो चीजों को आपस में लिंक करवा रहा है, ज्वाइन करा रहा है, जोड़ रहा है। तो इसने क्या किया, विल को हैव अपने साथ जोड़ लिया और हैव को भी जोड़ लिया और बेसिकली एक सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया कि जो हमारे पास सब्जेक्ट है इसको बाकी सेंटेंस के साथ जोड़ दिया। तो इसने क्या काम किया, इसने यहां पर एज अ लिंकिंग वर्ब के तौर पर काम किया। तो ये हमारी दूसरा फंक्शन था इसके, वो है एज अ लिंकिंग वर्ब के तौर पर। हेल्पिंग वर्ब एज अ लिंकिंग वर्ब भी काम करता है, जो सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट को बाकी कंप्लीमेंट या बाकी प्रेडिकेट के साथ जोड़ता है, वो हमारे पास कहलाता है लिंकिंग वर्ब। पर एक आप जब नई बात सीखी वो क्या है कि हमारे पास जो विल शैल है ये क्या करते हैं, विल शैल हमारे पास एक मॉडल है, ऑक्सी वर्ब है, इनके साथ हमेशा जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ये हमारे पास एक और बात याद रख लें, ये भी ये जो हैज है या फिर हैव है ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, ये हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये जो हमारे पास हैड है ये हमारे पास वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ठीक है ना। जहां पर आपने ये यूज करना होगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये हमारे पास क्या है, सेकंड फॉर्म है, लेकिन इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, सॉरी, इनके साथ जब भी यूज होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। और कहीं पर आपको अगर इन तीनों के साथ हैज हैव या हैड के वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज ना हुई आई तो वहां पर आप समझ लीजिएगा कि वहां पर सेंटेंस के अंदर एरर है और करेक्शन की जरूरत है। ये तीनों हमेशा अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म के बगैर इस्तेमाल होते ही नहीं, ये आप चीज अपने ध्यान में रख लें। तो ये हमारे पास इसका दूसरा फंक्शन था। अब हम इसका देखते हैं तीसरा फंक्शन, मॉडल ऑक्सिलरी जो वर्ब है वो कौन से होते हैं, जिन्हें हम मूड्स भी कहते हैं। अब ये तीसरा हमारे पास है मॉडल वर्ब, जो इसका फंक्शन है हेल्पिंग वर्ब का, वो ये एज अ मॉडल वर्ब के तौर पर काम करता है। अब मॉडल वर्ब के तौर पर कैसे काम करता है, अब ये मॉडल है या फिर मूड्स है ये क्या होता है, इसे हम कहते हैं ना मजाज, क्या जो हमारा जो मजाज है वो अच्छा है, नहीं अच्छा है, ठीक है। तो ये हमें बताता है बेसिकली मूड्स के बारे में कि हमारा जो मूड है वो कैसा है, या हमको नसीहत करनी है, किसी के ऊपर हुक्म चलाना है, तो अपने मजाज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है वो कौन है, मॉडल वर्ब। तो हमने यहां पर देखा कि मॉडल वर्ब क्या होते हैं, जो हमें मजाज के बारे में बताते हैं। इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। हम यहां पर इसकी चार एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू प्ले
फुटबॉल। एक सेंटेंस ये लिख लिया हमने, दूसरा भी इसी तरह, यू प्ले फुटबॉल, यू प्ले फुटबॉल। अब बच्चों मैं सारे सेंटेंस एक ही तरह के क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि जब हम किसी एक सेम चीज पर रूल अप्लाई करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इस रूल्स के दरमियान फर्क क्या है। अगर यहां पर मैं चार डिफरेंट सेंटेंस लिखूंगा तो उससे क्या होगा कि आपके जेहन में एक नई इमेज आएगी कि यार ये तो सेंटेंस इस तरह है, इसलिए सर ने सेंटेंस को और यूज किया था। आप कंफ्यूज होने के चांसेस होते हैं, लेकिन जब आप एक ही सेंटेंस के ऊपर चारों रूल्स अप्लाई करेंगे या जितने भी रूल्स हैं तो आपको पता चल जाएगा इसके अंदर डिफरेंस क्या है। हमारे पास ये सेंटेंस है, मैंने एक और सेंटेंस लिख लेता हूँ ताकि मैं चीजों के बारे में आपको ज्यादा क्लैरिटी से बता सकूं, यानी मूड्स के बारे में कैसे बता रहा होता है। तो जी ये मैंने सेंटेंस चार लिख दिए, मॉडल जो वर्ब्स हैं वो इससे ज्यादा है, कई ज्यादा है, लेकिन मैं आपको जेनेरिक जो चार की एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए। अब देखें जी हमारे पास यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यू शुड प्ले फुटबॉल, यू शुड प्ले फुटबॉल। अब यहाँ पर मैंने क्या बताया, मैंने यहाँ पर एडवाइस की है, मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर एडवाइस की है, किसी को नसीहत की है कि यार तुम्हें ना फुटबॉल खेलनी चाहिए। अगर मैं किसी को एडवाइस करूं किसी को भी, यार तुम ना फिट रहने के लिए फुटबॉल खेला करो, यू शुड प्ले फुटबॉल, तुम्हें फुटबॉल खेलनी चाहिए, मैं नसीहत कर रहा हूं। यहां पर मेरा लहजा क्या है, मेरा मजाज क्या है, एक नसीहत वाला है। आपको क्लियर पता चल रहा होगा कि जब मैं किसी को नसीहत करूं या आप किसी को नसीहत करें तो आप किसी को नसीहत करते हो अगर डांटते तो नहीं है ना, आपका मिजाज क्या होता है, एक नरम मिजाज होता है। किसी को नसीहत कर रहे हो तो प्यार से समझा रहे होते हैं कि यार यू शुड प्ले फुटबॉल, यू शुड लर्न वेल। तो हम क्या कर रहे होते हैं चीजों को एक धीमे मजाज के साथ, एक प्यार के साथ चीजों को समझा रहे होते हैं लोगों को, ताकि अगले बंदे को समझने में आसानी रहे। तो ये हमें बता रहा होता है एडवाइस के बारे में, जब शुड यूज होगा तो इससे पता चल जाएगा हमारे पास कि हम किसी को एडवाइस कर रहे हैं एक नरम लहजे में, एक नरम मिजाज के अंदर हम अपना एक अपना किरदार अदा कर रहे हैं। दूसरा हमारे पास अगर हम यूज करते हैं यहां पर, यू मस्ट प्ले फुटबॉल, तो यहां पर क्या हमारा, यहां पर हमारा जो लहजा होगा, हमारा मिजाज होगा वो एडवाइस वाला नहीं होगा, यहां पर हमारा क्या होगा, ऑब्लिगेटरी वाला। ऑब्लिगेटरी क्या होता है, मतलब हमारा यहां पर एक हाकमाना, मतलब हुक्म देने वाला। फॉर एग्जाम्पल एक कोच है ना, तो वो अगर प्रैक्टिस करवा रहा है तो उसने क्या स्टूडेंट का स्टेमिना बढ़ाना है, स्टूडेंट को लंबे अर्से के लिए मतलब खिलाना है फुटबॉल, तो अगर स्टूडेंट एक मैच खेल के थक गए तो वो कोच क्या करेगा, यू शुड प्ले फुटबॉल, जल्दी जल्दी ग्राउंड में आओ ताकि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा तुम टाइम ग्राउंड में स्पेंड करो और तुम ज्यादा अपना स्टेमिना बढ़ा सको। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, या फिर कोई पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को कहते हैं कि यार यू शुड प्ले, यू मस्ट प्ले फुटबॉल, तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें लाजमी खेलनी चाहिए। जब हम किसी चीज को हुक्म दे रहे होते हैं या किसी इंसान को हुक्म दे रहे होते हैं तो हमारा जब लहजा हाकमाना हो, जैसे बादशाह कहते थे यू मस्ट अपियर इन द कोर्ट टूडे, किसी भी मुलजम को या किसी भी इंसान को कहेंगे तुम्हें आज कोर्ट में लाजमी पेश होना है, तो फिर हुक्म के लहजे में जब हम बात करते हैं तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, मस्ट यूज करते हैं। थर्ड वन हमारे पास क्या है, अगर हम यहां पर यूज करें यू कैन प्ले फुटबॉल, कैन यूज करें तो कैन हमें किसके बारे में बता रहा होगा, कैन हमें बेसिकली बता रहा होगा एबिलिटी के बारे में, यू कैन प्ले फुटबॉल। ये हमारे पास यहां पर किस चीज को शो कर रहा है, ये कर रहा है एबिलिटी को। अब एबिलिटी को कैसे कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है वो, उसका स्टेमिना भी है, वो फुर्तीला भी है, स्मार्ट भी है, खेल भी सकता है, लेकिन वो स्टूडेंट है उसको अपने ऊपर यकीन नहीं है, कॉन्फिडेंस की कमी है। तो वालिदैन क्या करते हैं, उस स्टूडेंट को या उस बेटे को अपने को दे आते हैं, किसी कोच के पास छोड़ आते हैं कि सर आपने इसको सिखानी है फुटबॉल, इसके अंदर स्टेमिना भी है लेकिन इसे कॉन्फिडेंस नहीं अपने आप के ऊपर। तो फिर वो टीचर क्या करता है, या फिर वो जो फुटबॉल का कोच होगा करेगा, वो उसे समझाएगा, उसको कॉन्फिडेंस दिलाएगा, वो कहेगा यू कैन प्ले फुटबॉल, वो कहेगा ये देखो सब लोग खेल रहे हैं ना, सर इसी तरह सब लोग नेशन में स्टार्ट करते हैं तो तुम भी खेल सकते हो, यू कैन, तुम कर सकते हो। जब हम किसी को मोटिवेशन दे रहे हैं, चीर अप कर रहे होते हैं, यू कैन, यू डिड, यू कैन, तुम कर सकते हो, तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम उसको चीयर अप या उसको बूस्ट अप करने के लिए हम क्या कहते हैं, यू कैन, तुम कर सकते हो। तो ये हमारे पास कैन किस मजाज में आ रहा था, जब हम किसी की एबिलिटी बता रहे हो कि हाँ भाई तुम्हारे अंदर ये काबिलियत है, तुम ये कर सकते हो।
जो बच्चा सीएसएस कर रहा है, पीएमएस कर रहा है, यूपीएससी कर रहा है, कोई भी चीज कर रहा है, तो उसके पेरेंट्स या उसके दोस्तों को पता चल जाता है कि यार ये बंदा काबिल है, ये कर जाएगा, तो हम उसको चीयर अप करने के लिए, बूस्ट अप करने के लिए क्या कहते हैं, यू कैन, तुम कर सकते हो, यू कैन क्रैक द सीएसएस एग्जाम वन डे इंशाल्लाह। तो ये हम उसको क्या कर रहे होते हैं, हम उसको बूस्ट अप कर रहे होते हैं, हम उसको एक उसकी एबिलिटी के बारे में बता रहे होते हैं कि हाँ भाई तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर ये काबिलियत है। तुम काबिलियत को जब बताना चाह रहे हो, जब एबिलिटी को बताना चाह रहे हो, तब हम क्या यूज करते हैं, कैन। और लास्ट में हमारे पास है, हम कहते हैं मे, चौथा हमारे पास क्या यूज करते हैं, मे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, जो यू मे प्ले फुटबॉल, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये यहाँ पर हमारे पास है पॉसिबिलिटी, यहाँ पर क्या है पॉसिबिलिटी। अब पॉसिबिलिटी से क्या मुराद है कि एक बच्चा है वो थोड़ा सा मतलब उसका शौक भी नहीं है, वो इतना पतला स्मार्ट भी नहीं है, थोड़ा मोटा सा है, वो खेल सकता भी है, उसे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी नहीं है, तो वो नहीं भी खेल सकता। अगर उसको जरा ग्रैंड किया जाए, उसको जरा एक मतलब प्रैक्टिस करवाई जाए, तो वो खेलना शुरू कर देगा। तो 50-50 चांसेस जब है ना, पॉसिबिलिटी है, तो कोच कहेगा यू मे प्ले फुटबॉल, तुम खेल सकते हो, जब इस तरह का मजाज हो ना, क्या 50-50 शो कर रहे हो, क्या भी कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, ये तुम पर है। तो ये मजाज जो मजाज होता है, ये किस बारे में बता रहा था मैं, पॉसिबिलिटी के बारे में। तो बेसिकली ये, इसके अलावा भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो हमारे पास है वो काफी सारे हैं, जिसमें हमारे पास जैसे कि ये शुड है, ये मस्ट है, माइट है, और हमारे पास आउट टू है, आउट टू हमारे पास है, और हमारे पास इस तरह ये मे है, कैन है, कुड है, शैल है, विल है, एक्सेट्रा। इस तरह हमारे पास बहुत सारे जो है ना वो मॉडल ऑफ वर्ब, बेसिकली ये हमारा मजाज है, जैसा हमारा मजाज होगा तो वैसे मॉडल वर्ब्स भी उतने सारे ही होंगे। तो ये सारे के सारे, और एक आप याद रखें ना कि जितने भी मॉडल ऑफ वर्ब होंगे, इनके साथ हमेशा हम क्या यूज करेंगे, इनके साथ हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। जहां पर भी वर्ड की फर्स्ट फॉर्म यूज ना हुई हो, तो आप समझ जाइएगा कि वहां पर सेंटेंस के अंदर करेक्शन करने की जरूरत है। तो ये हमारा आज का लेक्चर, अपने दोस्तों से शेयर भी करें, हमारे चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करें भी, और अपने दोस्तों से शेयर करें, जिस तरह आप तक ये वीडियोस पहुंची है, इससे इंशाल्लाह दूसरे लोगों का भी फायदा होगा। तो देखते रहिए, स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़।